हेलो नमस्कार मित्रों, नवा वीडियो ने अंदर तमारो दरेक मित्रों स्वागत करिए छे। सवार सवानो बनासकांठा ने अंदर थराद ने अंदर वरसाद मित्रों वरस्यो हतो। हाल में मित्रों बात करिए तो जे बंगाल नी खाड़ी नी अंदर जे बनेलो जे लो प्रेशर है ते राजस्थान तरफ जवानो है अने राजस्थान तरफ जईने मजबूत बनवानो है, तो तेना कारण थी घणो ने वरसाद नो प्रमाण पण वधी शके। पूर्व गुजरात नी अंदर दक्षिण गुजरात ने आ दरिया कोठी कोठाना विस्तारों अंदर ने उत्तर गुजरात नी अंदर पालनपुर मेहसणा ने पाटण त्यां पण मित्रों है ते जगह वरसाद वधी शके। हाल में आप देखी शको तो बहणों जे सर्क्युलेशन ते बनेलो है ई धीरे 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 राजस्थान नी अंदर आ जगह आवीने आवी रीते ऊपर जवानुं है बराबर। पहला आप गुजरात पर आता तो पर आ पाकिस्तान पर बनेलू से हवा खाली दबाण देते एना कारण थी सीधे सीधे राजस्थान तरफ उपर था। राजस्थान पर आशे एट अपना जो भेजना जे पवन है आप अरबी समुद्र में मल्या रही थी। अरबी समुद्र थी भेजना पवन मल्वाने कारण अपना वरसाद वरसे बराबर। अने अत्यारे जोवामां आवे तो दक्षिण गुजरात नी अंदर चोमासुं थे ते आवी रीते मित्रों चालू थई गयुं है बराबर। हालमां जोवा जईए तो आवी रीते बराबर ए आटलेथी उपरथी करीने आ बाजु जई रह्युं छे। आटली बधी चोमासुं कम्प्लीट कायदेसर बेसी गयुं छे तो बाकी आपणो आटलो ज विस्तार रह्यो छे, उपरनो विस्तार रह्यो ई तो ते विस्तार मित्रों बाकी है तेनी अंदर विधिवत चोमासु हवे बेसी दे बराबर। एटले आपणे थराद वावनी अंदर तारीख 28, 29, 30 आ त्रण दड़ा वरसाद थवानी पूरीपूरी संभावना है। बाकी पाटण मेहसणा अने अमदावादनी अंदर घणो बे दिवसथी वरसाद चालू छे केम के ते मध्य गुजरातनी अंदर आई गयो। मध्य गुजरातमां पवनो मळवा जोईए भेजना ए ऑटोमेटिक कम्प्लीट मळी रह्या बे दिवसथी ज्यां वरसाद चालू छे अमदावाद बाजू बराबर। अने पूर्व गुजरातनी अंदर चालू छे अरवली मोडासा बाजू बराबर एटले त्यां वरसाद चालू छे त्यां पण विधिवत चोमासु बेसी गयुं छे। मात्र भाग आटलो बाकी छे एनुं कारण ई छे के आमां पाकिस्तानी जे हवानुं जे सर्क्युलेशन जे मित्रो बन्युं छे आ एक नुकसानकारी छे अने आना कारणे जे आपणे जे बंगाळनी खाड़ीमांथी जे बनेली जे सिस्टम जे छे ते आवी रीते गति करे छे એટલે કે તે જે ઉપર આવે જતી રહે છે ને કાતે સીધી ક્યાં બની હતી ગુજરાતમાં આ જગ્યા બની હતી જે રાજસ્થાન બોર્ડર વિસ્તાર અને બનાસકાંઠા ઉપર બની હતી તો આપણે યુએસસી આ જગ્યા બનાવત અને એના લીધે પૂરા ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ થયો। હવે યુએસસીની જગ્યા આવી જે ટ્રફ બનશે જે 750 HP ટ્રફ હશે બરાબર। હવે 750 આવી રીતે ટ્રફ બનશે મિત્રો અને આ ટ્રફના કારણે આપણે વરસાદ આવશે બરાબર। અને હાલમાં આ જે બહોળું સર્ક્યુલેશન બન્યું છે તે માત્ર આટલા સુધી લંબાયેલું હોય બરાબર, તો આવી રીતે છે બધું હવામાન ખાતાનું। અને આમ એકદમ બદલાવ થયો છે, આ 12 કલાકની અંદર બદલાવ થયો છે। ગઈકાલના વિડીયોમાં મેં મિત્રો તમને કીધું હતું કે બનાસકાંઠામાં થરાદની અંદર વરસાદથી પહેલી થવાનું કીધું એમાં આટલો એકદમ ફેરફાર કેમ થયો હતો, રાત રાતમાં જ થયો છે કેમ કે આ મજબૂત હોવાના કારણે તેને સીધે સીધું જે છે તેને ઉપરની બાજુ જઈ રહ્યું છે બરાબર। એટલે આજે લો પ્રેશર આ વખતે જે નિમ્ન દબાવ નોર્મલ હતો એની જગ્યાએ હાઈ થઈ ગયો એટલે કહેવાનો મતલબ તે બની ગયો છે આપણે સ્ટ્રોંગ બની ગયો છે અને સ્ટ્રોંગ બનવાને કારણે તે સીધું દિલ્હીથી ઉપરના ભાગમાં જવાશે। હાલમાં તમને ખબર હોય ઉત્તરાખંડ બાજુ ને હાલ ભારે વરસાદ ચાલુ છે તો આ મિત્રો વરસાદી સિસ્ટમની વાત હતી અને અરબ સાગરની અંદર જે ભેજના પવનો બનવા જોઈએ ઓલરેડી બનેરા છે અને એ આપણા ગુજરાત તરફ આવી રહ્યા છે એટલે ભેજ પૂરો પડતો રહેશે અને વરસાદ મિત્રો આવતો રહેશે એટલે આપણે કોઈ ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર છે નહીં। 28, 29 અને 30 તારીખે બનાસકાંઠા પૂરા ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થશે। સાર્વત્રિક વરસાદનો મતલબ શું થાય મિત્રો કે પૂરી જગ્યાએ બાકીની રીતે કોઠળીઓમાં આવશે, કોઠળીઓમાં બધે આવશે બરાબર। એટલે કોઈ જગ્યાએ વાવણો બાવણો બાકી રહી જશે તો વાવણો ઓલરેડી થઈ જશે। અને બીજું મિત્રો એ છે કે આમાં ચોક્કસથી તમને ગુજરાતમાં ના કહી શકાય કે ભારે વરસાદ કઈ રીતે થાય છે કેમ કે આ સિસ્ટમ તો એ ઉપર જવાની છે અને આ હું એ ટ્રફ આવવાનો હોય તો આનું જે નોર્મલ યુએસસી કી જગ્યાએ બને એનું ફાઇનલ ચોક્કસથી ન કહી શકાય। જે જગ્યાએ મિત્રો યુએસસી બનશે એ જગ્યાએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ, ભારે તો થવાનો
अति भारे वरसाद की थी थे कोई फिक्स रहे नहीं, छता आज एने सैटेलाइट द्वारा रडार द्वारा जोता हुआ वादल एनी जगह आटलो भारी वरसाद बताया है बराबर है। सूरत नवसारी वडोदरा आ बाजू बराबर अने दक्षिण गुजरात अंदर अति भारी वरसाद बताया है। अने वात रही कच्छ नहीं तो कच्छ ना भाग से अँ वरसाद भारी थी वरसाद ओछो थशे अने थराद सांचोर जो पट्टो है एना पालनपुर बाजू भागो आएला है ते बाजू वरसाद थवानी वधारे मित्रों संभावना है बराबर। आ बाजू बाकास्टर आ बाजू से अँ बाजू नॉर्मल वरसाद थशे राजस्थान बाकास्टर आएल है। अने आ गई काले मैं मित्रों जो तो सैटेलाइट में तो एन जगह उदयपुर यार सीधो जो तो अत्यार चेक कर उदयपुर उपरली बाजू आया राजस्थान पर बाजू सीधू जात हो तो राजस्थान पर सारा वरसाद मिली रही है। पूरा भारत ने अंदर आज समुद्र आज बंगाल की खाड़ी ने सीस्टम बनी है पूरा गुजरात पूरा देश ने घो वरसाद पूरा पड़ से बराबर है। कहना मतलब आटल से आटल जगह मिली रही है वरसाद फूल थे मत आटल विस्तार कोरो कि बाड़मेर वालों विस्तार कोरो रहने पूरी संभावना है। पंजाब हरियाणा बड़ी जगह वरसाद थवानी पूरी पूरी संभावना है। तो आ मित्रों एक अति महत्वनी बात तमने जणावी दी थी बराबर। अने आर बाद हाल में बनेल बहुत जयरे लो प्रेशर सीस्टम बनी आ रही धीरे धीरे आ जगह मित्रों मजबूत थवानी खतरनाक मजबूत थवानी सीधे सीधी घो उत्तर तरफ गति कर सीस्टम बनवा खतरनाक जैसे बीपोर जो वावाजोड़ा है घनी तो मदद एने करी है जमें त्या भेजन प्रमाण वारे है। अपने अरबी समुद्र वालों भेज मलो रहना है अपने कमी चाल से गुजरात में कोई खूणो बाकी रहे नहीं वरसाद वगैरह। तो चलो मित्रों वीडियो तुमने गम्य हो तो वीडियो ने लाइक करो चैनल ने सब्सक्राइब करो बधा मित्रों थोड़ी थोड़ी हेल्प करता रहो। चलो तो फ्री मिलीशू मित्रों ने।